रुड़की से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर गंदे नाले में नवजात शिशु का शव बहता हुआ मिला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई नवजात शिशुओं के शव नाले में मिल चुके हैं और ये सब प्राइवेट अस्पताल संचालकों के कारण होता है। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी तहसील स्थित नाले में एक नवजात शिशु का शव गंदे नाले में बहता हुआ मिला, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस को मामले की सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात शिशु के शव को बाहर निकाला और सिविल अस्पताल मर्चुरी में रखवा दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह कारनामे निजी अस्पताल के जरिए किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से इन निजी अस्पतालों की ऐसी घिनौनी हरकतें लगातार सामने आती रहती हैं। इससे पहले भी कई मरतबा नवजात शिशुओं के शव नाले में मिल चुके हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले अस्पतालों पर रोक लगाई जानी चाहिए। पुरानी तहसील स्थित मौजूद है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि नाले के अंदर एक शिशु का शव मिला है। हालांकि यहां पर भारी भीड़ मौके पर मौजूद है, हालांकि इंसानियत को तार तार करने वाला ये मामला सामने आया है और यहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी है और मौके पर पुलिसकर्मी भी पहुंचे। मैं आपको दिखाने की करूंगा पीछे की, यहाँ पर जो है देखिए अभी पुलिसकर्मी पहुंचे, हालांकि इसको निकालने की कवायद यहाँ पर चल रही है और स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कब से यहाँ पर इस शव को देखा जा रहा है और किस तरीके से यहाँ पर अब तक जानकारी जुटाई गई है। ये जो शव यहाँ पर देखा गया है छोटे बच्चे का, हालांकि शिशु है, यहाँ से कब से देखा जा रहा है और किस तरीके का मामला? ये अभी से लगभग जो है आधे पौन घंटे से देखा गया है और ये यहाँ ये घटना पहले भी हो चुकी है। आज ही एक बच्चा यहाँ पे पहले मिला था, एक प्लॉट में पड़ा हुआ, वो जिंदा था लेकिन उसे एक रामपुर का ले गया, वो मैंने सुना कि वो अब भी जिंदा है। एक पहले हुआ था, आगे प्लॉट था उसमें पड़ा था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंसान को शर्मसार करने वाली हरकत है। यहाँ पर और भी है, बात करेंगे भैया, ये किस तरीके से आपने यहाँ पर, आप कह रहे हैं कि और भी पहले भी केस हुआ है? इससे पहले भी यहाँ दो केस पहले हो चुके, अब से कोई 3-5 साल करीब पहले भी ऐसे केस हुआ था, उससे पहले भी, क्योंकि इधर यहाँ डॉक्टर जो फर्जी है वो होते हैं वहाँ से करते हैं रात बटे और सुबह इसमें नवा देते हैं। तो कितनी शर्मनाक बात है, हालांकि ये शर्मनाक बहुत ही शर्म इनके लिए, तो एक फांसी से फर्जी डॉक्टर बैठे हुए। तो क्या लगता है स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही है ऐसे अस्पतालों पर? इसी तरह की लापरवाही जो उन पर ध्यान नहीं देते और सबसे बड़ी इनके लोगों की जो फर्जी डॉक्टर के पास जाते हैं और ये क्या करते हैं, घर में कराते हैं और अपना जो गलत होता है कि बहा देते नाले में। ये आज का पहला स्वास्थ्य विभाग को भी देखना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री को भी इस बारे में सोचना चाहिए, उस तरीके प्रशासन का काम देखना, ये प्रशासन का काम है। हालांकि ये जो तमाम स्थानीय लोग हैं इनका साफ तौर से कहना है कि जो फर्जी अस्पताल यहाँ पर चलाया जा रहा है, जो संचालित किया जा रहा है, उन्हीं के कारनामे यहाँ पर देखे जा सकते हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है जो शिशु यहाँ पर फेंका गया है ये पहले, हालांकि ये भी शक जताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जीवित भी हो सकता है और इसकी डूबने से यहाँ पर मौत हुई है। तो कहना बड़ी शर्मनाक बात है, इंसानियत को तार तार करने वाला ये पूरा मामला है। यहाँ पर जिस तरीके से नाले के अंदर एक नवजात शिशु को फेंका गया है, हालांकि तरह तरह की यहाँ पर लोग बातें यहाँ पर करते दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पीछे कि यहाँ पर जो है नवजात शिशु को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार ये बच्चा है कि बच्ची है, इस पर भी यहाँ पर जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। सलमान मलिक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।